मतलब कि ये सीढ़ी इस तरीके से भी कम हो रहा है और ये कुछ इस तरीके से दोस्तों ट्विस्ट हो रहा है, ठीक है। ये सीढ़ी मैं आपको इधर से दिखाना चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, आपको बहुत ही कम जगह में अगर आपको सीढ़ी चाहिए तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए हो सकता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हॉल है, हॉल में ज़्यादा से ज़्यादा जगह की आवश्यकता होती है। यही कारण है दोस्तों कि इस कम जगह लेने वाले सीढ़ी को यहाँ पे डिज़ाइन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं सीढ़ी के नीचे वाला पूरा का पूरा एरिया है वो भी बिल्कुल जो है वो डिस्टर्बेंस फ्री है। आप जिस तरीके से देख सकते हैं आसानी से यहाँ पे आप कुछ भी जो है वो कर सकते हैं। दोस्तों, एक नॉर्मल सीढ़ी के जैसा है इस सीढ़ी को भी आप देख सकते हैं एक बीम से स्टार्ट किया गया है। जो प्लिंथ लेवल पे जो बीम आता है दोस्तों, उसी से इस सीढ़ी को भी स्टार्ट किया गया है। लेकिन अगर देखेंगे दोस्तों, इस सीढ़ी को हल्का ट्विस्ट करके बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो नीचे का पार्ट है, वीडियो में शायद उतना पता आपको ना चल रहा हो, चलिए मैं आपको मेजर करके दिखाता हूँ, तब शायद आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। दोस्तों, आप देख सकते हैं मेजरिंग टेप को हमने एक छोर पे लगाया है और यहाँ से रीडिंग लेंगे। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, 1 इंच कम जो है वो 5 फीट, यानी कि 59 इंच का यहाँ पे 5 फीट से 1 इंच कम यहाँ पे रीडिंग आ रहा है। लेकिन अगर दोस्तों 4 स्टेप बाद में इसकी अगर रीडिंग लेने जाए हम, मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप पाएंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल इसका रीडिंग जो है वो 45 इंच आ रहा है। मतलब कि 4 फीट से भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि 3 इंच कम। तो यहाँ पे लगभग दोस्तों इस 5 स्टेप में दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ से सीढ़ी हुआ था लगभग 5 फीट से स्टार्ट और यहाँ जा करके बिल्कुल 4 फीट पे आ गया है। मतलब कि ये सीढ़ी इस तरीके से भी कम हो रहा है और ये कुछ इस तरीके से दोस्तों ट्विस्ट हो रहा है, ठीक है। ये सीढ़ी मैं आपको इधर से दिखाना कोशिश करूँगा। ये सीढ़ी आप देखेंगे, ये देखिए, यहाँ शायद क्लियर भी हुआ, ये बिल्कुल सीढ़ी स्टार्ट हुआ है और इस तरीके से बिल्कुल जो है वो टर्न लेता हुआ ये ऊपर की तरफ गया है। और ये अपने जो नीचे का जगह है दोस्तों, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी बिना डिस्टरबेंस क्रिएट किए ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये बिल्कुल इस तरीके से टर्न लेते हुए। आप चलिए मैं आपको सीढ़ी का ऊपरी भाग दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरीके से ट्विस्ट करता हुआ सीढ़ी जो है वो इस तरीके से बिल्कुल छत तक चला गया है और फाइनली इस वाले बीम पर सीढ़ी ने रेस्ट लिया है। दोस्तों, कॉर्नर पे देख सकते हैं दोनों ही दीवार में सीढ़ी को आप रेस्ट बिल्कुल दे सकते हैं। चूंकि ये हॉल का पार्ट होने वाला है दोस्तों, इसलिए इसके स्लैब में लाइटिंग करने की व्यवस्था है। लाइट बॉक्स आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे दिया जा चुका है। और इस सीढ़ी का मेन खूबसूरती देखने के लिए दोस्तों, इस पर रेलिंग लगने का इंतजार कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जब इस पर रेलिंग लगाया जाएगा तो यकीन मानिए मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा और वो फिर देखने लायक होगा। कुछ इस तरीके से इसका वाइड व्यू मैं आपको दे दे रहा हूं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, इजाजत दीजिए, और जिन लोगों के हॉल में सीढ़ी बनाने की योजना है उन लोगों तक वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।